தண்டார் மீட்டா தண்டார் மீட்டா தண்டார். Hey friends, how are you? I hope आप लोग सब ठीक होंगे और अमर ट्रैवल ब्लॉग में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और मैं आज आया हूँ इस जगह हैदराबाद की शान, हैदराबाद की जान चार मीनार। सो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आज मैं बहुत बेताब था इस जगह के आने के लिए, तो चलिए मैं आपको घुमाऊँगा फिराऊँगा, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी सारे लोग आए हैं ऐसे देख सकते हैं, बैक साइड काफ़ी घूमने लायक चीज़ है, जगह है। सो आप आइए। और चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में तामीर किया था चार मीनार, और उसकी जो चार मीनारें, चार मीनारों की वजह से इसमें चार चांद लगे हैं। काफ़ी खूबसूरत मीनारें हैं, सो आप देख सकते हैं। तो लेट्स गो, अंदर जाएंगे और देखेंगे स्पेशल क्या क्या है। सो गाइस, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी बेस्ट जगह है। तो आप ये रिक्वेस्ट है कि कभी आइए चार मीनार हैदराबाद में। और हम जा रहे हैं अभी अंदर की साइड, सो लेट्स गो, अंदर जाएंगे देखेंगे और क्या क्या है अंदर। ऊपर गैलरी है चार मीनार में, तो अंदर ऊपर से जाएंगे अपन, और ऊपर से नीचे सीन देखने का ही मज़ा कुछ अलग है। तो चलिए, थकने का नहीं, चलने का भी, घूमने का फिरने का, सो लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं अभी अंदर, और आई थिंक इसका टिकट का प्रोसीजर है, तो देखेंगे कितना टिकट है, इसके चार्जेस वगैरह क्या है। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं, करीब में यहाँ नंबर लाइन में खड़े रहना पड़ा है, तो देखेंगे अंदर क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने टिकट ले लिया, 25 रुपीज़ का टिकट है। और कभी भी आएंगे तो चिल्लर लाएगा, क्योंकि वो लोग वापस नहीं करते पैसे, उनके पास चेंज नहीं होता है, तो आप वो सेफ्टी के लिए बता दे रहा हूँ। और ये अंदर क्या है इसका हिस्सा, सीढ़ियाँ हैं, वेरी डेंजर, तो आप कभी भी आएगा तो ख्याल रख के आइए, छोटे बच्चों को गोद में ले लीजिए। और ये बहुत डेंजर सीढ़ियाँ हैं, और टोटल ये सीढ़ियाँ 149 हैं, 149 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, तो मुझे अब काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए, आप आराम से बैठ के देखिए, और मैं जा रहा हूँ ऊपर। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ, काफ़ी प्यास लग गई। तो चलिए, यहाँ एक ठहरने की जगह है, यहाँ देखेंगे और क्या क्या है। तो आखिर काम कार हम ऊपर आ ही गए, और ये ऊपर से देख सकते हैं आप नीचे। घूमने लायकदार जगह ये, देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है फ्लावर्स से। चार मीनार जो एक यादगार इमारत है, काफ़ी यादगार है, और इसका नाम चार मीनार की वजह से पड़ा है। और चार मीनार एक मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई सतह ज़मीन से 148 फीट है। तो चलिए देखेंगे अंदर अब क्या क्या है। और इसमें कुछ ओल्ड फोटोज़ वगैरह हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लोग घूमने के लिए आए,
काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं और शॉपिंग के लिए भी बेस्ट है। तो मैं नीचे बताऊँगा शॉपिंग के लिए और क्या क्या अच्छा है। देख सकते हैं कितनी पब्लिक है। और एक बड़ी ख़ास बात है एक चार मीनार की, यहाँ हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं हर मीनार की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये भी देखिए, यहाँ काफ़ी सारा नॉलेज लिखा है कि आपको गोलकुंडे की किले की मालूमात लिखी गई है। और इधर लाख की चूड़ियाँ, यानी हर किस्म का जो भी स्पेशल हैदराबाद में जो जो एड्रेस के साथ इधर लिखा गया है चार मीनार में। और इधर भी बाज़ार का नॉलेज लिखा गया है, जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको गाइडेंस के लिए बहुत बेस्ट तरीका अपनाया है ये लोगों ने। काफ़ी मज़ा आया मुझे इतनी सारी ऊपर से सीढ़ियाँ चलते हुए, और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप आइएगा भी। और एक फैक्ट भी है जो कि मुझे पसंद नहीं है थोड़ी बहुत, जब इतनी अच्छी इमारत है और इतना सेफ रखा गया है, हर तरफ से सिक्योरिटी है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जब 149 सीढ़ियाँ हैं नीचे आने के लिए, लेकिन आते वक्त कुछ जगह फ्लैश नहीं है, लाइट नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लाइट का इंतज़ाम करे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे बच्चे स्कूल के ट्रिप पिकनिक वगैरह आती है, या फिर जो बूढ़े चलते हैं, कुछ पेशेंट के दिल भी कहते हैं आने के लिए, तो गिरने का डर लग सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा और डेवलप करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेडीज़ के लिए तो आपने देख लिया, लेकिन जेंट्स के लिए इतर भी काफ़ी स्पेशल हैं। हैदराबाद इतर के लिए भी काफ़ी मशहूर है, एक से एक बेस्ट क्वालिटी के। ठंडा मीठा। एक बार आवाज़ निकालो ना जोर से। मेरी लियो ना, तू अच्छी लियो। तो फ्रेंड्स देखिए, मौसम बहुत अच्छा है। ओह शिट फ्रेंड्स, काफी ज्यादा घूमना था हमें, बट पानी आ रहा है, सो हम चाकर भी अभी नहीं घूमेंगे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम घूम सकते हैं, लेकिन पानी आना भी बहुत ज़रूरी है, एक नियामत है ऊपर वाले की। घूमना फिरना तो अपना चलता रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो खाइए पिए, रहिए चुस्त और तंदुरुस्त, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय।